नगर निगम पशु चिकित्सालय विभाग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर शुक्रवार को सेनपुरा स्थित पशु चिकित्सालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि ठेकेदार द्वारा उन्हें अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है और हम लोगों को तनख्वाह भी बकाया है। उन्होंने चिकित्सालय पर नारेबाजी करते हुए वहां के अस्पताल के मुख्य डॉक्टर अजय प्रताप सिंह से अपनी समस्या बताई और कहा कि ठेकेदार हम लोगों का वेतन नहीं देता, मांगने पर गाली देता है, जिससे हम लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। चिकित्सा अधिकारी ने कर्मचारियों की बात सुनकर तत्काल ठेकेदार पर कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से सोनू प्रजापति, प्रमोद कुमार यादव, शिव कुमार राजेश सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। जो कि वेतन मतलब सही टाइम पर कभी नहीं मिलता है, चाहे त्यौहार हो चाहे कोई चीज़ हो, हम लोगों को बीवी बच्चे बाल गोपाल सब मतलब बढ़ते हैं कि हम लोगों को मतलब तनख्वाह मिले तो हम लोग मतलब उन लोगों को खिलाएं पिलाएं पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन पे ये कैसे यहाँ भी नहीं होता है। हम लोग 10,000 रुपये पाते हैं, 10,000 रुपये में भी हम लोग काम करने के लिए पूरे सक्षम रहते हैं। CM मुख्यमंत्री या कोई भी मतलब प्रधानमंत्री आ जाता है, कोई भी आते हैं। आप लोग हैं क्या कर रहे हैं? हम लोग नगर निगम स्वास्थ्य विभाग से हैं। क्या काम है आपका? पशु पकड़ना हमारा काम है, पूरे मतलब बनारस को मतलब सफाई व्यवस्था करना, छुट्टा पशु जितने हैं हम लोग उसको पकड़ कर कानी हाउस में बंद किया जाता है। कब का पैसा बाकी आप लोग? हम लोग का मतलब पिछले महीना का बाकी है, जो कि आज दिनांक 16/9/2022 हो गया। सबका मतलब अगले महीना का पेमेंट, जिन्होंने 5,000 कर दिया, 1,000 कर दिया, 1,200 रुपया करके दिया, इन्होंने जब से मतलब इनका टेंडर हुआ है तब ले ये मतलब हम लोग को झिझरी खिला रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अधिकारी फर्जी हैं और तुम लोग भी फर्जी हो। अधिकारी से बात की है आप? हाँ, अधिकारी से बात किए, अधिकारी ने हमारा एक्शन उठाया है। आज क्या आश्वासन मिला? आश्वासन हमको यही मिला, हमारे डॉक्टर साहब अजय प्रताप द्वारा बताया गया कि इनके खिलाफ लिखा पड़ी होगा और इनका टेंडर निरस्त करवाने की सूचना दी है।